ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये संसार एक सुंदर खेल है, हम सभी इसमें खिलाड़ी भी हैं, साथ में मेहमान भी हैं। हम मेहमान बनकर ही इस विश्व की स्टेज पर परम धाम से आए हैं और हमें यहाँ से वापिस अपने घर चले जाना है। हम मेहमान हैं। मेहमानों में जब वो दूसरे के घर जाते हैं, आसक्ति नहीं होती। वहां कोई अच्छी चीजें देखें, वो ये नहीं सोचेंगे कि हम इन्हें उठाकर साथ ले चलें। हम सभी संसार में मेहमान हैं। माया ने हमारे चारों ओर अनेक आकर्षण की वस्तुएं रख दी हैं। कहीं देहधारियों का आकर्षण है, कहीं सांसारिक पदार्थों का आकर्षण है, कहीं अथाह धन संपदा का आकर्षण है, कहीं बहुत सारी सुख सुविधाओं की सामग्री रखने का आकर्षण है। परंतु जिन्हें योग का रस प्राप्त करना हो, जिन्हें श्रेष्ठ योगी बनना हो, जिन्हें संसार को बहुत बड़ा योग का सहयोग देना हो, या जिन्हें अपने स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठा देना हो, उन्हें इस संसार की इस माया में, इन आकर्षणों में अटकने की आवश्यकता नहीं है। भले ये बड़े लुभावने हैं, ये बड़े प्रिय लगते हैं। दूसरों के घरों में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं तो हमें भी उसके लिए आकर्षण होता है। परंतु ठीक है, ये सब चीजें आवश्यकता की हैं, इनसे हमारी शोभा भी बढ़ती है। पर अब समय की मांग तो यही है कि हम केवल एक से सब कुछ प्राप्त करें और सभी रसों से स्वयं को मुक्त कर दें। क्योंकि जब तक हम कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त नहीं होंगे, जब तक हम इन आकर्षणों से मुक्त नहीं होंगे, हमें संपूर्ण ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय रस, उससे संबंधों को निभाने का सुख मिल नहीं सकेगा। वो हमें संपूर्ण सुख देने आया है, हमारा बनकर आया है। सोचो, भगवान स्वयं बैठ कर कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। कितनी बड़ी बात हो गई। हम तो केवल उसके दर्शनों के प्यासे थे, हम तो क्षण भर के लिए उसे देख लेना भर चाहते थे। परंतु वो जब हमारे पास आया तो उसने हमें फीलिंग दी, मैं तुम्हारा हूँ। प्यार के सागर ने अपना प्यार हम पर बरसा कर कहा, देख देख लो बच्चे, मैं कैसे प्यार का सागर हूँ। मैं सबसे प्यार करता हूँ, अनकंडीशनल प्यार करता हूँ। मेरा प्यार निर्मल है, निष्काम निस्वार्थ है। तो हम सभी अब सभी आकर्षणों से स्वयं को मुक्त करें, क्योंकि ये सभी चीजें समाप्त होने वाली हैं। कुछ भी इनमें अविनाशी नहीं है। ये ठीक है कि वो थोड़े समय का सुख देंगी, परंतु अगर हम उसमें आसक्त हो गए, अगर हम उसको यूज करके उसके ही हो गए, उसके ही संकल्पों में समय बिताने लगे, तो हम योग का परम सुख नहीं ले पाएंगे। मान लो किसी के पास एक सुंदर कार है, उसमें बैठ के उसको बहुत आनंद आता है, वो सफर करता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसमें आसक्त हो जाना, मेरी कार, उसमें ही बुद्धि लगे रहना, ये गलत होगा। मान लो किसी को कोई विशेष तरह का भोजन बहुत अच्छा लगता है, उसके बनाने में, उसके खाने में, उसकी तैयारी करने में ही समय बिता देना, तो ये संगम युग का अनमोल समय यूं ही बीत जाएगा। तो आइए हम अपनी बुद्धि को चारों ओर से डिटैच करें। हमें महान कार्य करना है, जिन वस्तुओं को हमें छोड़ कर जाना है, उनसे अनासक्त हो जाएं, यूज करें, पर अनासक्त भाव से यूज करें, तो वही चीजें हमें बांधेंगी नहीं, हमें सुख प्रदान करती रहेंगी और हमारे ईश्वरीय मार्ग में हमारी सहयोगी भी बनी रहेंगी। तो आज सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। इस विश्व ड्रामा में मैं हीरो एक्टर हूँ।
और इस संसार में मेहमान हूँ। अपने को देखें, मैं आत्मा तो परम धाम से आई हूँ इस देह में। प्रकृति की कुटिया में बैठकर आंखों के द्वारा इस संसार को निहार रही हूँ। मैं तो इस देह में गेस्ट हूँ। बाबा भी इस धरा पर आए और मुझे भी साथ में लाए हैं। आज इसकी फीलिंग करेंगे, बाबा के साथ मैं भी हूँ, उसकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।